डॉक्टर बिटिया के लिए मांगा इंसाफ और फिर छात्रों पर लाठीचार्ज। बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है इसी घटनाक्रम से जुड़ी हुई। कोलकाता में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। आरोप लगाया कि बंगाल में अपराधियों और बलात्कारियों का सम्मान हो रहा है। उन्होंने पुलिस की बर्बरता पर सवाल उठाए और दावा किया कि बंगाल में महिला सुरक्षा पर बोलना अब अपराध हो गया है। नड्डा ने बंगाल में ममता बनर्जी का तानाशाही रवैया भी बताया। बड़ी खबर, छात्रों पर पुलिस की बर्बरता पर उठा गुस्सा और इसके बाद जेपी नड्डा ने कहा कि ममता की पुलिस ने बर्बरता दिखाई है, बेटी के साथ जो हुआ है उस पर ममता बनर्जी चुप है, दोषियों को बचाने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है, तो ये बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हमला है, आक्रमण है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर ममता बनर्जी की सरकार और उनकी बर्बर पुलिस द्वारा इंसाफ की मांग कर रहे डॉक्टरों, बंगाल के युवाओं और महिलाओं पर जो हिंसा और दमनकारी चक्र और का जो तांडव देखा गया है वह निंदनीय तो है ही, साथ में वह मानवता को भी शर्मसार करने वाला है। बंगाल में एक बेटी के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी जाती हैं, मगर ममता बनर्जी चुप है। स्त्री की अस्मिता को तार तार किया जाता है, मगर ममता बनर्जी चुप है। बेटी के माँ बाप को भटकाया जाता है और ममता जी चुप है। देश की युवा शक्ति ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, नबन्ना अभियान निकालकर तब ममता बनर्जी को अपने मुख्यमंत्री होने का एहसास हुआ और उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए निर्ममता की हदों को पार कर दिया। ममता जी ऐसे गुनाहगारों को बचाने का प्रयास कर रही हैं, इसमें आखिर क्या मजबूरी है आपकी, क्यों आप इनको बचाने का प्रयास कर रही हैं? यहां रक्षक ही भक्षक बन गया है। महिला मुख्यमंत्री होकर भी बंगाल के महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरीके से असफल रही हैं। बंगाल में ममता जी कि ने निर्ममता और तानाशाही के सारी हदें पार कर दी हैं। तानाशाही मुख्यमंत्री का तानाशाह रवैया देखने को मिल रहा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।